Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. So guys, in this video we will discuss about our previous video. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि गैलेक्सी A51 को आप लोग क्यों ना खरीदें, उसकी मैंने पांच रीज़न बताई थी। पांच में से तीन मैं अभी डिस्कस करूंगा। एक तो मैंने बताया था कि ओवर प्राइस है, जो कि बाकी यूट्यूबर्स भी मानते हैं कि ये ओवर प्राइस है। अगर ये 50,000 से कम होता तो बहुत ज़्यादा सेल होता। तो दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि मैंने कहा था इसका प्रोसेसर बहुत कमज़ोर है और इसके प्रोसेसर में गेमिंग कैपेसिटी उतनी लेवल की नहीं है जितनी इसकी प्राइस है। तो वो आप ये वाली वीडियो देख लें। एप्लीकेशन पर गेमिंग एप्लीकेशन है, देखते हैं कि ये गेमिंग एप्लीकेशन कौन सा फोन करता है लोड पहले। गाइज, यहां पर भी Redmi Note 8 Pro ने पहले लोड की है ये एप्लीकेशन और Galaxy A51 अभी तक लोडिंग के मराहिल में है। तो पता नहीं ये कहां पर अटक गया है। तो Redmi Note 8 Pro को मैं यहां पे विनर कहूंगा। एप्लीकेशन है PUBG मोबाइल और देखते हैं कि कौन सा फोन पहले लोड करता है। तो क्लिक करते हैं इस पे। गाइज, इस फीचर्स कंपैरिजन में आपने देखा कि क्लियरली Redmi Note 8 Pro ने बीट किया है Galaxy A51 को। तो अगर आप स्पीड वाला फोन लेना चाहते हैं और आपका जो प्राइस बजट है वो है 40,000 रुपीज या 45,000 रुपीज, तो Redmi Note 8 Pro बेटर ऑप्शन है। Galaxy A51 स्पीड के मामले में इतना ज्यादा तेज नहीं। इसके बाद मैंने कहा था कि इसका जो फिंगरप्रिंट है वो बिल्कुल ही स्लो है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है और वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है। ऑल्दो पहले जब ये फोन मेरे पास आया था तो उस टाइम पर ये एक इंजीनियरिंग सैंपल की केस में था, तो आई थॉट कि फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मुझे उतना तेज नहीं लग रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑनेस्टली अगर आप इसको बाकी ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो ये अभी भी स्लो है। इन दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मेरा जो दावा था वो बिल्कुल सच था। तो एक बंदे ने कमेंट किया, उसने कहा कि आपका जो ये पीछे बैकग्राउंड है ये सही नहीं है, इसको हटा दें आप। मतलब ये कि ये मेरा रूम है, इसमें मैं जो चीज़ खड़ी करूँ पीछे ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो आपने अगर मुझे देखना है, मेरी बात सुननी है, तो आपने मेरी बात ही सुननी है। तो ये पीछे यहाँ पे कोई लड़कियाँ तो नहीं नाच रही कि आपको यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रही है, या पीछे कोई वो जो चीज़ की और चीज़ तो नहीं चल रही, या कोई लाइट तो नहीं आ रही आपके फेस पे जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये चीज़ें तो नहीं है ना, एक जस्ट कपड़े ही ठहरे हैं। तो यहाँ पे फर्ज क्या कोई मसला, मतलब कि मजबूरी है ना यहाँ पे खड़ाने की, नहीं तो अलमारी तो है पड़ी ना, मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो यहाँ पे मैंने लटका दी है। मैंने उसको कहा कि कमेंट अबाउट द वीडियो टॉपिक, तो उसने कहा नहीं भाई, आप पहले मोबाइल लें और मोबाइल ले के फिर आप उस पर रिव्यू दें और फिर उस पर कमेंट दें। तो मैंने सोचा यार, मैंने जो कमेंट दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, मैंने जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और आप अभी वो वीडियो जाके देख सकते हैं, अभी आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्योंकि उस टाइम उसकी अभी प्री बुकिंग स्टार्ट होनी थी, तो मैंने उसकी रीज़न भी बता दी थी कि आपको क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। तो सबसे सब यूट्यूबर इस बात पर एग्री करते हैं कि इसका जो लुक है, डिज़ाइन है, वो बहुत अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बाकी सैमसंग है, इसमें एडवांस फीचर है, NFC है, बाकी सपोर्ट है। अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। बुरी बातों को मैंने हाईलाइट किया था। तो उस पता नहीं बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, तो उसने कहा कि नहीं पहले मोबाइल ले आओ, पहले फ़ोन ले आओ, फिर बाद में रिव्यू दो।
तो मतलब ये कि ये चीज़ें नहीं होती, एक टेक यूट्यूबर होता है जो टेक चैनल खोलता है, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है मोबाइल को जांचने का, एक प्रोसेसर देख के पता चल जाता है कि ये मोबाइल फ़ोन गेमिंग के लिए है या नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल फ़ोन ले आएँ और फिर आपको बताएं, मोबाइल फ़ोन ले आने के बगैर प्रोसेसर में और जो एंटूटू बेंचमार्क्स होते हैं या दूसरे उसके जो स्कोर होते हैं वो देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए है, ये फ़ोन कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता था। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी, और आपको बिल्कुल वाजे और मोबाइल को देख के पता चल गया होगा कि कैसे एक यूट्यूबर की अंडरस्टैंडिंग होती है फ़ोन और डिवाइसेस के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो जो A51 लेना चाहते हैं और उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो लेने से पहले ये चीज़ें देख लें। जिस वीडियो का मैंने आपको रेफरेंस दिया है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तो प्लीज़ गो टू योर फेसबुक आईडी, सर्च Airy712 एंड क्लिक ऑन कम्युनिटी टैब एंड आल्सो इनवाइट टू योर फ्रेंड टू लाइक दिस पेज। ओके, थैंक यू।